एक दिन थाना दयालपुर में 16 साल की दो नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की जानकारी मिलती है। दोनों के घर वालों ने बताया कि दोनों लड़कियां एक साथ स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन वापस नहीं आईं। दोनों बच्चियां नवीं कक्षा की छात्रा हैं। इस मामले में संबंधित धाराओं में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज करके थाना दयालपुर में जाँच शुरू की गयी। पता लगा कि दोनों लड़कियां उस दिन स्कूल गई ही नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर पूजा ने एक टीम का गठन किया। तुरंत छानबीन शुरू हुई। 10 दिनों बाद दोनों लड़कियों को उनके घरवाले उन्हें अपने साथ लेकर थाना दयालपुर आए। बयान में लड़कियों ने बताया कि वे दोनों लड़कियां उस दिन स्कूल न जाकर अपनी किसी जानकार से मिलने के लिए लोनी गई थी। वापसी में बहुत रात हो गई, उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने एक ऑटो रिक्शा वाले को रोककर अपनी आपत्ति बताई और उन्होंने उससे अपने घर पर छोड़ने के लिए निवेदन किया। रात हो जाने के कारण भी लड़कियां रास्ते को पहचान नहीं पाई। ऑटो वाले ने एक जगह पर लड़कियों को रोका, उनके साथ रेप किया और फिर दोनों को शास्त्री पार्क इलाके में एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। करीब 10 दिनों तक उसने उन्हें बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने और बाकी उसके कुछ साथियों ने भी बारी बारी से लड़कियों के साथ रेप किया। 10वें दिन मौका पाकर ये लड़कियां वहां से भाग निकली, किसी तरह घर पहुंची और अपनी आपबीती बताई। घर वाले उन्हें पुलिस स्टेशन लाए, उनकी मेडिकल जांच कराई गई। बयान में दोनों लड़कियों ने कुछ नामों का खुलासा किया। पूरे इलाके में ऑटो स्टैंड पर उन नामों की ऑटो चालकों की छानबीन की गई। फिर पता लगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड पर एक व्यक्ति इसी नाम से मौजूद है। सघन पूछताछ पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। दूसरी टीम ने मोबाइल नंबरों की तलाश करते हुए दो और लड़कों के बारे में जानकारी जमा की, रेड की गई और आखिरकार 7 दरिंदों को पकड़कर उनकी असली जगह पहुंचाया गया और वो असली जगह है जेल। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।